नमस्कार दोस्तों, आज हम बैक्टीरियल ग्राम स्टेनिंग टेक्निक ये वाला प्रैक्टिकल करने वाले हैं। पहले हम जान लेते हैं कि ग्राम स्टेनिंग क्या है। हैंस क्रिस्टियन ग्राम नाम के बैक्टीरिया का अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट थे, उन्हें बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहा जाता था। उन्होंने इस टेक्निक का आविष्कार पहली बार किया था और उनके मरणोपरांत इस टेक्निक को बैक्टीरियल ग्राम स्टेनिंग टेक्निक ये नाम दिया गया। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का उपयोग करके हम बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट यानी उनका वर्गीकरण ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ऐसे कर सकते हैं। इस दो प्रकार के बैक्टीरिया में दो अलग अलग प्रकार की पेशी भित्तिका यानी सेल वॉल होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिक यानी मोटा होता है, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिन यानी पतला होता है और लिपिड का लेयर थिक होता है। ग्राम स्टेन लेने के बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल रंग में दिखाई देते हैं। ग्राम स्टेन लेने के बाद और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर के दिखाई देते हैं। इस बैक्टीरियल स्टेनिंग टेक्निक में हम चार विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करने वाले हैं, जिनमें क्रिस्टल वायलेट जो कि एक प्राइमरी स्टेन का काम करता है, ग्राम्स आयोडीन जो कि एक मॉर्डेंट का काम करता है, डीकलराइजर, इथेनॉल और अंत में सैफ्रानिन जो कि एक काउंटर स्टेन है। अब हम बैक्टीरियल ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल जान लेते हैं। जब हम बैक्टीरिया को प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वायलेट और मॉर्डेंट ग्राम्स आयोडीन से स्टेन करते हैं तब सभी बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट से स्टेन हो जाते हैं, लेकिन जब हम डीकलराइजर इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं तब कुछ कुछ बैक्टीरिया ही हमें पर्पल दिखाई देने लगते हैं और कुछ नहीं। ऐसा क्यों? तो आइए जान लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनका सेल वॉल थिक पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ होता है। जब हम डीकलराइजर इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं तब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल डिहाइड्रेट होके श्रिंक हो जाता है। इससे सेल वॉल में जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। इससे क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स सेल वॉल के बाहर जा नहीं पाता और वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से चिपका रहता है, जिसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल रंग में दिखाई देते हैं, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से बना हुआ होता है और उनमें थिक लिपिड लेयर भी होता है। जब हम डीकलराइजर इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं तब इथेनॉल से लिपिड का जो लेयर होता है वो डिजॉल्व हो जाता है। उससे क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स सेल वॉल के बाहर चला जाता है। दोबारा हम जब डीकलराइजेशन के बाद सैफ्रानिन का इस्तेमाल करते हैं तब सैफ्रानिन सेल वॉल के अंदर चला जाता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमें पिंक कलर में दिखाई देते हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिकल कर लेते हैं। पहले तो हम बैक्टीरियल स्मीयर बना लेते हैं। उसके लिए हम स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया कल्चर ले लेते हैं। फिर हम इस बैक्टीरिया कल्चर को स्लाइड के ऊपर स्प्रेड करेंगे। और उसे एयर ड्राई करने के बाद स्पिरिट लैंप के ऊपर हीट फिक्स करेंगे।
अब हम स्टेनिंग टेक्निक शुरू करेंगे। पहले हम बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट से स्टेन करने वाले हैं। हम स्लाइड को ऐसे ही एक मिनट तक रख देंगे। अब हम डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे। अब हम स्लाइड को ग्राम आयोडीन से स्टेन करने वाले हैं। उसे भी हम एक मिनट के लिए रख देते हैं। अब हम डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे। अब हम डीकलराइजर का उपयोग करने वाले हैं। उसे हम सिर्फ 20 सेकंड के लिए ही रखने वाले हैं। अब हम डिस्टिल वाटर से वॉश कर लेते हैं। अंत में हम स्लाइड पर सैफ्रनिन डाल रहे हैं। इसे हम 30 सेकंड के लिए रख देंगे। अब हम डिस्टिल वाटर से वॉश कर लेते हैं। अब इस स्लाइड को हम एयर ड्राई करेंगे। और उसके बाद स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखेंगे। हम इसे 100x ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव के अंदर देख रहे हैं। तो देखा दोस्तों, हमें पर्पल कलर में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दिख रहे हैं।